नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे किशोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके पास एक यूएन नंबर है या पीएफ अकाउंट है? अगर इस पीएफ अकाउंट का पासवर्ड नहीं है या पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो कैसे हम घर बैठे न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे या न्यू पासवर्ड बनाएंगे, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप कोई भी ब्राउजर को ओपन करके ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। देखिए मैं पीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। आने के बाद देखिए यहाँ पर एक सर्विसेज का ऑप्शन शो करेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे है एक ऑप्शन फॉर एम्प्लॉइज, तो हम फॉर एम्प्लॉइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंबर पासबुक और नीचे है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, तो हमको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन ऐसा एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है यूएन और पासवर्ड। अगर आपके पास यूएन नंबर है या पासवर्ड है तो यहाँ पे पुट करके कैप्चा को फिल करके लॉगिन हो सकते हो या साइन इन हो सकते हो। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो नीचे ऑप्शन देखिए फॉरगॉट पासवर्ड, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए या पासवर्ड बनाने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारा यूएन नंबर को पुट करेंगे और यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारा नेम को फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा आधार कार्ड में डिटेल्स है उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है, तो मैं फिल कर लेता हूँ। इस डिटेल्स को फिल करने के बाद हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएगा। नीचे देखिए यहाँ पे एंटर कैप्चा आधार नंबर लिख के शो कर रहा है। यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और फिर से हमारा आधार नंबर को यहाँ पे पुट करना है। कैप्चा कोड और आधार नंबर को फिल करने के बाद देखिए नीचे है टर्म एंड कंडीशन, इसको आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद चेक मार्क यहाँ पे पुट करेंगे, देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देन नीचे देखिए लिख के शो कर रहा है डिटेल्स वैलिडेटेड और नीचे एक ऑप्शन शो करेगा आधार लिंक मोबाइल नंबर। यहाँ पे आधार पे जिस मोबाइल नंबर लिंक है इस मोबाइल नंबर को हम फिल करेंगे। देन फिर से यहाँ पे चेक मार्क पुट करेंगे, देन गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, नीचे देखिए लिख के शो कर रहा है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। पहले कैप्चा को फिल करना है, देन उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा कोड और ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, नीचे देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के शो कर रहा है और नीचे न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा न्यू पासवर्ड को क्रिएट करेंगे या जो पासवर्ड हम रखना चाहते हैं वही पासवर्ड को यहाँ पे दो बार फिल करना होगा। तो देखिए एग्जांपल के हिसाब से पासवर्ड को आप इस हिसाब से रखना है, लेटर रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और कुछ नंबर्स रहेगा, इसी हिसाब से आप पासवर्ड को बना सकते हो। तो मैं मेरे हिसाब से पासवर्ड को यहाँ पे रख लेता हूँ। फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमको ऐसे लिख के शो करेगा, देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रिट्राइव हो गया है या चेंज हो गया है। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड और नीचे कैप्चा को फिल करके हम लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से घर बैठे आप भी आपका पीएफ अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो या रिट्राइव कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।